न्याय सेवक लीगल इज नाउ अफोर्डेबल। यदि आप इंडिया में बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप कंपनीज एक्ट 2013 के एप्लीकेबल प्रोविजंस के मुताबिक अपने बिजनेस को एक लीगल एग्जिस्टेंस दे और उसको एक रजिस्ट्रेशन करवाए। एक स्टार्टअप के रूप में आपके पास बिजनेस स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और वन पर्सन कंपनी। बिजनेस स्ट्रक्चर को डिसाइड करते ही आपके मन में कई सवाल उठेंगे, जैसे कि हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है और यह प्रोसेस कितनी इजी या मुश्किल है। ये सारे सवालों के जवाब हम आज आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल न्याय सेवक में देंगे। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बिजनेस फॉर्मेशन की प्रोसीजर बहुत ही सिंपल बना दी है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के ऑनलाइन पोर्टल पे आपको लॉगिन करके जो नेम आपने अपने कंपनी का सोचा है वो नेम को सर्च करें और देखें कि कहीं वो नेम से ऑलरेडी कोई और कंपनी एग्जिस्टेंस में है कि नहीं। स्टेप वन के मुताबिक अगर आपका नेम कंपनी नेम यूनिक नेम हो तो उसका कंपनी नेम से रिलेटेड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाए। इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपने सबमिट किए हैं उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की मांग करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। स्टेप टू के मुताबिक आपको INC 29 फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपको 5 एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने होते हैं, जिसमें DIN नंबर, कंपनी नेम, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, PAN 10 नंबर जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होते हैं। यही नहीं, INC 29 फॉर्म के साथ आपको MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी अटैच करने होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप अपनी कंपनी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स और अपने कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में जो भी सारे रिलेशंस है उसको अच्छे से डिफाइन करते हैं, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आप अपने डायरेक्टर्स की सारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य और अपनी कंपनी का टाइप अच्छे से डिफाइन करते हैं। हमारे इस ऑनलाइन पोर्टल में आपको अपने फर्म के टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक AOA और MOA को ड्राफ्ट में पूरी सहायता मिलेगी। ये हमारी एडवाइस है कि आप अपने कैपिटल फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्स इम्प्लीकेशंस और लीगल लायबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस स्ट्रक्चर डिसाइड करें। हमारे इस ऑनलाइन पोर्टल में आपको कंपनी फॉर्मेशन के रिगार्डिंग सारी कुछ जानकारी मिल जाएगी। यही नहीं, आपको वो सारे डॉक्यूमेंटेशन के ड्राफ्ट और सर्टिफिकेशन में भी पूरी सहायता मिलेगी। तो आज ही सर्च करें न्याय सेवक, लीगल इज नाउ अफोर्डेबल।